हेलो, आई एम इति गुप्ता एंड आई प्रोवाइड कोचिंग टू मेडिकल एंड आईआईटी स्टूडेंट। आई हैव 6 ईयर एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। टुडे आई डिस्कस अबाउट ओनली टू टॉपिक्स। फर्स्ट वन रेजोनेंस इफेक्ट, सेकेंड वन इंडक्टिव इफेक्ट। फर्स्ट हम देख लेते हैं कि जो रेजोनेंस इफेक्ट है, रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है और इसकी क्यों जरूरत पड़ती है हमें। तो इसकी अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो व्हेन अ कंपाउंड कैन बी represented by more than one layer structure and actual structure is hybrid of all these structure, the compound is said to possesses resonance। मतलब क्या है इसका? अगर एक कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज को हम एक स्ट्रक्चर से क्या है नहीं बता सकते, उसके लिए हमें एक से ज्यादा स्ट्रक्चर की क्या है जरूरत पड़ती है। तो हम उन सभी स्ट्रक्चर को तो बोलते हैं रेजोनेंटिक स्ट्रक्चर और उसकी इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे रेजोनेंस। अगर मैं रेजोनेंस की बात करूं तो रेजोनेंस इज ऑल्सो कॉल्ड मेसोमेरिस इफेक्ट। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके लिए। मैंने एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिया बेंजीन। बेंजीन की बात करें तो ये दोनों जो बेंजीन की स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर या फिर हम इसको बोलते हैं रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। और इसको इस स्ट्रक्चर को जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है बेंजीन की इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो रेजोनेंस की बात करें तो रेजोनेंस की ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलेंगे कैनोनिकल स्ट्रक्चर और इसको हम बोलेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, अगर हम बात करें तो हम देखें बेंजीन के अंदर सभी कार्बन, 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं और 6 कार्बन की पोजीशन दोनों स्ट्रक्चर के अंदर क्या है सेम है। ओनली ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी क्या हो रही है शिफ्टिंग हो रही है। अगर हम बात करें इसको, अगर मैं C1 बोलूं और इसको C2, C4, C5 एंड 6, तो अभी जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं C1 और C2 एटम के बीच में प्रेजेंट है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में बात करें तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ प्रेजेंट है, C1 और C6 के बीच में। तो हम बात करते हैं कि रेजोनेंस की अगर हम बात करें तो रेजोनेंस के अंदर जो एटम्स है उनकी पोजिशन तो क्या रहती है, ऑलवेज सेम रहती है। ओनली जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है उनकी जो इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है शिफ्टिंग होती है। जो इलेक्ट्रॉन्स पाई इलेक्ट्रॉन की जो शिफ्टिंग हो रही है उसको हम बोलते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वह यही है स्टेबिलिटी के लिए कि डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लीड्स टू डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब क्या है इसका कि जितना ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन का किसी मॉलिक्यूल में डीलोकलाइजेशन होता है उस मॉलिक्यूल या कंपाउंड की एनर्जी क्या होगी उतनी ही डिक्रीज होगी। और हम सभी को ये भी पता है कि पोटेंशियल एनर्जी स्टेबिलिटी की क्या होते हैं इनडायरेक्टली इन्वर्सली क्या होती है प्रोपोर्शनल में होती है। इसका मतलब ये है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा डिक्रीज होगा तो कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या होगी इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब ये भी है कि अगर हम किसी कंपाउंड में रेजोनेंस की बात करेंगे तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी ज्यादा होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है रेजोनेंस हाइब्रिड दैट इज एक्चुअल स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन एनी कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो हम अगर बात करें तो रेजोनेंस हाइब्रिड की जो स्टेबिलिटी है वो कैनोनिकल स्ट्रक्चर से ऑलवेज क्या होती है ज्यादा होती है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर इमेजिनरी। ठीक है, जो जितनी भी हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं वो सारी के सारी क्या होते हैं इमेजिनरी। सेकंड है, अभी हमने रेजोनेंस को स्टेबिलिटी से क्या है कनेक्ट किया था, तो जो हम स्टेबिलिटी है उसको हम रेजोनेंस एनर्जी से भी बता सकते हैं। अगर हम बात करें कि किसी भी कंपाउंड की रेजोनेंस एनर्जी को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो रेजोनेंस एनर्जी इज इक्वल टू द एक्चुअल एनर्जी ऑफ द हाइब्रिड माइनस एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। मतलब क्या है, यहाँ पर हम बात कर रहे थे ये क्या था रेजोनेंस हाइब्रिड। अगर मैं इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी में से इन द मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर की एनर्जी को अगर माइनस कर दूं तो हमें क्या मिलेगा रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी है कि जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर होती है सभी कैनोनिकल स्ट्रक्चर की जो स्टेबिलिटी सेम नहीं होती है, वो अलग अलग कैनोनिकल स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी भी क्या होती है डिफरेंट होती है। ठीक है, तो रेजोनेंस एनर्जी इज मेजरमेंट ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है रूल्स फॉर ड्रॉइंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अगर हमें किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड के लिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं जिसको फॉलो करना जरूरी है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है
वो है द रिलेटिव पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस शुड रिमेन अनचेंज्ड. न्यूक्लियर मतलब अगर हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर किसी भी कंपाउंड के लिए ड्रॉ करते हैं तो उस पे न्यूक्लियर मीन्स एटम की पोजीशन क्या रहती है, सेम रहती है ना. ओनली जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है उनकी पोजीशन क्या होती है, चेंज होती है. नेक्स्ट पॉइंट है ऑल द कैनोनिकल स्ट्रक्चर डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट इक्वली डेट इज बेंजीन. मीन्स मतलब क्या है इसका, अभी बताया था हमने कि जो अलग अलग जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर है उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, अलग अलग होती है. अगर स्टेबिलिटी डिफरेंट होगी तो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन भी क्या होगा, सेम नहीं होगा, डिफरेंट होगा. नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल द कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शुड बी बोनिफाइड लेवी स्ट्रक्चर्स. मतलब क्या है लेवी स्ट्रक्चर का, तो कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जब भी हम रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के अंदर बॉन्ड पेयर के साथ साथ हमें क्या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को भी क्या शो किया जाता है. तो कोई भी ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के साथ साथ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी क्या है रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं, तो उसको हम कहते हैं लेवी स्ट्रक्चर. तो ऑल दी जितनी भी हमारी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है वो कैसी होनी चाहिए, लेवी स्ट्रक्चर होनी चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें द इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज मूव अवे फ्रॉम अ नेगेटिव चार्ज. इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हमेशा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ होता है. मतलब क्या है इसका कि अगर हम किसी भी रेजोनेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हमेशा नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर से पॉजिटिव की चार्ज की तरफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है. इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कभी भी पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ नहीं होता. तो ये बात है जो हमें क्या है ध्यान में रखनी चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट है एरो शुड बी ड्रॉन टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जो एरो का डायरेक्शन है वो हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो एरो शुड बी ड्रॉन टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो ये कुछ रूल्स हैं जो हमें किसी भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते वक्त क्या है ध्यान में रखना. नेक्स्ट है रेजोनेंस इफेक्ट. अगर हम बात करते हैं अब रेजोनेंस इफेक्ट की तो ये होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय रेजोनेंस इफेक्ट, इसको लिख लेते हैं हम. द इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट वन पोजिशन विथ करस्पॉन्डिंग डिक्रीज एट अनदर पोजिशन इज कॉल्ड रेजोनेंस इफेक्ट. टाइप्स ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट की बात करें तो ये टू टाइप्स का होता है, फर्स्ट प्लस रेजोनेंस, सेकंड माइनस रेजोनेंस. अगर प्लस रेजोनेंस की बात करें तो प्लस रेजोनेंस को हम डिनोट करते हैं प्लस आर से, प्लस आर या फिर प्लस एम से. माइनस रेजोनेंस की इफेक्ट की बात करें तो हम इसको डिनोट करते हैं माइनस आर या फिर माइनस एम से. तो ये होता क्या है, कौन कौन से ग्रुप प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं और कौन कौन से ग्रुप माइनस आर, उनको भी चेक करते हैं. ग्रुप्स अटैच विथ डोनेट्स इलेक्ट्रॉन शो प्लस आर इफेक्ट वाइल ग्रुप्स अटैच विथ विड्रो इलेक्ट्रॉन शो माइनस रेजोनेंस. मतलब क्या है इसका, अगर बेंजीन रिंग से कोई ऐसा ग्रुप अटैच है जो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो वो कौन सा इफेक्ट शो करेगा, प्लस आर इफेक्ट. लेकिन अगर हम बात करें कि बेंजीन रिंग से कोई ऐसा ग्रुप अटैच है जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रो करता है तो हम कहेंगे कि वो ग्रुप क्या माइनस आर इफेक्ट शो करेगा. हमने इसके लिए दो एग्जांपल भी लिए हैं जिससे हम इसके रेजोनेंस इफेक्ट को अच्छे से समझ सकते हैं. फर्स्ट मैंने एग्जांपल लिया प्लस आर इफेक्ट का. प्लस आर इफेक्ट को बताने के लिए मैंने क्या किया कि जो बेंजीन ग्रुप से एनएच टू ग्रुप को क्या है अटैच किया हुआ है, तो यहाँ पर हम एरो की डायरेक्शन से हमें पता चल रहा है कि जो NH2 ग्रुप है NH2 ग्रुप से इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग की तरफ क्या हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं. तो हमने अभी यही कहा था कि कोई ऐसा ग्रुप जो बेंजीन रिंग को क्या है इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो वो कौन सा इफेक्ट शो करता है, प्लस आर इफेक्ट. तो NH2 ग्रुप हो गया एल्कोक्सी ग्रुप हो गया OR ग्रुप, एल्कोहलिक ग्रुप हो गया OH ग्रुप, हैलोजेंस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी के सभी जो ग्रुप्स हैं वो कौन सा इफेक्ट शो करते हैं, प्लस आर इफेक्ट. क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन्स है बेंजीन रिंग को क्या है देते हैं, तो जो भी कोई ऐसा ग्रुप जो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं तो वो सभी ग्रुप क्या है प्लस आर इफेक्ट क्या करेंगे, शो करेंगे. सेकेंड जो हमारा इफेक्ट है वो है माइनस आर इफेक्ट.
माइनस आर इफेक्ट के लिए एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है कि जब बेंजीन रिंग से एनओ टू ग्रुप अटैच है तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है वो बेंजीन रिंग से एनओ टू ग्रुप की तरफ हो रहा है। तो कोई भी ऐसा ग्रुप जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को विड्रो करता है वो ऑलवेज माइनस आर इफेक्ट क्या है शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल एनओ टू ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल अगर हम अदर एग्जाम्पल की बात करें तो सी एच ओ ग्रुप, सी ओ ओ एच ग्रुप, ये सभी के सभी ग्रुप की अगर हम बात करें तो ये सभी के सभी ग्रुप क्या है माइनस आर इफेक्ट शो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इंडक्टिव इफेक्ट। रेजोनेंस के बाद हम देख लेते हैं व्हाट डू यू मीन बाय इंडक्टिव इफेक्ट और इसके करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो इसको सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो व्हाट इज द इंडक्टिव इफेक्ट, परमानेंट डायपोल इंड्यूस्ड इन वन बॉन्ड, वन बॉन्ड मीन्स सिग्मा बॉन्ड बाय अनदर इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। When there is a covalent bond between unlike atoms मतलब ऐसे एटम जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो डिफरेंट हो, the bonding electrons pair is nearer to more electronegative atom, the bond is said to be polarized। मतलब क्या है इसके, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें कार्बन अटैच है कार्बन से और ये कार्बन अटैच है क्लोरीन ग्रुप से। अब अगर हम बात करें इस कोवेलेंट बॉन्ड की तो ये कैसा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। तो इसका मतलब ये है कि इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा किस पर वर्क करता है, सिग्मा बॉन्ड पर। तो सिग्मा बॉन्ड की बात करें, हमें ये भी पता है कि किसी भी बॉन्ड के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, टू होते हैं। तो अगर मैं इस बॉन्ड की बात करूं, इस बॉन्ड से ये कार्बन अटैच है और ये क्लोरीन भी अटैच है, तो और कार्बन, हमें ये भी पता है कार्बन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं होती है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो अगर मैं ये बात करूं कि इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दैट इज क्लोरीन। ठीक है, तो क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होने की वजह से यहां पर क्लोरीन पर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये बॉन्ड कैसा हो जाएगा, पोलराइज्ड बॉन्ड। ठीक है, इसी को हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब इंडक्टिव इफेक्ट फर्स्ट पॉइंट ये सिग्मा बॉन्ड पर वर्क करता है, सेकंड जो सिग्मा बॉन्ड से अटैच जो एटम होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। अगर मैं ये बात करूं, ये क्लोरीन से डायरेक्टली अटैच कार्बन है इसको हम दे देते हैं वन, जो ये सेकंड कार्बन है इसको कर दिया सेकंड। तो अगर मैं बात करूं इस सेकंड कार्बन, तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट अब क्या होगा कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी इस डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में क्या होंगे, शिफ्ट होंगे। तो इस पर भी क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। लेकिन जो ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है जो सेकंड कार्बन एटम पर है, अगर जो फर्स्ट कार्बन एटम पर जो पॉजिटिव चार्ज आया था उसके कंपैरिजन में ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब ये है कि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पर भी क्या है, वर्क करता है, है ना। लेकिन हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि इंडक्टिव इफेक्ट जैसे जैसे डिस्टेंस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से एटम से डिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है, वैसे वैसे ये इंडक्टिव इफेक्ट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो हम बात करें कि ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ऑलमोस्ट फोर कार्बन तक वर्क करता है, उसके बाद हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात नहीं करते। सेकंड हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। टू टाइप्स के इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं, फर्स्ट है प्लस आई इफेक्ट, सेकेंड है माइनस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन्स इफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच विद एल्काइल ग्रुप इट शो प्लस आई इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आर थ्री सी, यहाँ पर R रिप्रेजेंट कर रहा है एल्काइल ग्रुप को। ठीक है, तो ये है 3 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन और मिथाइल ग्रुप। इसका मतलब ये है कि जो एल्काइल ग्रुप होते हैं वो सारे के सारे प्लस आई इफेक्ट ऑलवेज शो करेंगे। अब है माइनस आई इफेक्ट, व्हाट डू मीन माइनस आई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्रिएट्स ऑलवेज माइनस आई इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल NH3 हो गया, साइनाइड, COH, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एल्कोक्सी ग्रुप, OH ग्रुप, ये ऑलवेज क्या है, माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फीचर्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। फीचर्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट क्या, ये कह दो कि एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो फर्स्ट एप्लीकेशंस की बात करें
फर्स्ट एप्लीकेशन हम देखते हैं, क्लोरो एसिटिक एसिड इज अ स्ट्रोंगर एसिड देन एसिटिक बिकॉज ऑफ, इसको भी हम क्या इंडक्टिव इफेक्ट से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि व्हाई क्लोरो एसिडिक एसिड इज अ स्ट्रोंगर एसिड देन एसिटिक एसिड। तो ये जो स्ट्रक्चर है, जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ये किसकी है, क्लोरो एसिडिक एसिड की, और ये जो सेकेंड स्ट्रक्चर है ये किसकी है, एसिडिक एसिड की। अगर हम इन दोनों की एसिडिटी की बात करें तो ये क्या होगा कि हाइड्रोक्सी ग्रुप से जो अटैच है वो हाइड्रोजन क्या करेगा, लूज करेगा। तो यहां से अगर ये हाइड्रोजन लूज होगा तो ये बनाएगा क्लोरो एसिटेट आयन। लेकिन अगर मैं एसिटिक एसिड की बात करूं तो ये हाइड्रोजन को लूज करके बनाएगा एसिटेट आयन। तो ड्यूरिंग द रिएक्शन अगर कोई भी चार स्पीसीज बनती है तो उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होती है तो हम ये कहते हैं कि रिएक्टेंट की रिएक्टिविटी भी क्या उतनी ज्यादा होगी। दोबारा मैं बात कर रही हूँ क्या, कि अगर ड्यूरिंग द रिएक्शन कोई चार स्पीसीज बनती है तो उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होती है रिएक्टेंट की रिएक्टिविटी भी क्या है उतनी ही ज्यादा होती होगी। तो अगर इन दोनों में से जो ज्यादा स्टेबल होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग रिएक्टेंट की रिएक्टिविटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर क्लोरो एसिटेट की बात करें तो क्लोरो एसिटेट में ये क्लोरीन माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप क्या है, एटम अटैच है। तो ये क्या करेगा, ये इस इन बॉन्ड में से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने पर ये जो ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज है ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। हमें ये भी पता है कि चार स्पीसीज क्या होती है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल से अनस्टेबल होती है, या हम ये कह सकते हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल चार मॉलिक्यूल के कंपैरिजन, आयन की कंपैरिजन में क्या होता है, स्टेबल होता है। तो अगर मैं ये माइनस चार्ज, इस पर जितना डिक्रीज होगा, जितना कम होगा, इस इंटरमीडिएट की जो स्टेबिलिटी है उतनी ही ज्यादा होगी। तो इस नेगेटिव ये चार्ज डिक्रीज होगा बिकॉज ऑफ माइनस आई ग्रुप, दैट इज क्लोरीन ग्रुप। अब हम एसिटेट आयन की बात करें, एसिटेट के अंदर ये मिथाइल CH3 ग्रुप है जो माइनस आई इफेक्ट शो करता है। माइनस आई इफेक्ट ग्रुप का काम होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। इसका अगर हम आयन की बात करें, इस पर तो पहले से ही नेगेटिव चार्ज है और ऊपर से हमने एक ग्रुप ऐसा अटैच कर दिया जो इलेक्ट्रॉन क्या है, इसको डोनेट करेगा, जिसकी वजह से इस माइनस चार्ज की डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इसलिए स्टेबल होने की बजाय माइनस आई इफेक्ट की वजह से क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो क्लियर है, अगर हम इन दोनों में से बात करें, क्लोरो एसिटेट और एसिटेट आयन में से, तो क्लोरो एसिटेट इज मोर स्टेबल देन एसिटेट आयन। तो क्लोरो एसिटेट आयन अगर स्टेबल होगा तो उसकी करस्पॉन्डिंग जो क्लोरो एसिटिक एसिड है इसकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। और रिएक्टिविटी हम किस सेंस में बोल रहे हैं, एसिडिटी के। तो इस वजह से क्या है, क्लोरो एसिटिक एसिड एसिटिक एसिड से क्या होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। सेकेंड जो पॉइंट है वो है, द लार्जर इज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ अ ग्रुप द ग्रेटर इज द माइनस आई इफेक्ट। मीन्स अगर मैं बात करूं, इस दोनों एग्जाम्पल को हम कंपैरिजन करते हैं तो एक हमारा जो कंपाउंड है उसमें फ्लोरीन अटैच है, सेकेंड जो कंपाउंड है उसके अंदर ब्रोमीन अटैच है। तो हम बात करें कि फ्लोरीन को, ये फ्लोरीन और ब्रोमीन एक ही ग्रुप के एलिमेंट है और हमें ये भी पता है कि जब हम डाउन दी ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ब्रोमीन फ्लोरीन के बाद में आता है, इसका मतलब ये है कि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ब्रोमीन के कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा है। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये ब्रोमीन के कंपैरिजन में ज्यादा क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो करेगा। और ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो करेगा तो इसका माइनस आई इफेक्ट भी ब्रोमीन के कंपैरिजन में क्या होगा, ज्यादा होगा। तो एक एसिड है जिसके अंदर फ्लोरीन अटैच है, दूसरा जो एसिड है जिसमें ब्रोमीन अटैच है। तो अगर हम इन दोनों के कंपैरिजन की बात करें तो इस कंपाउंड का माइनस आई इफेक्ट फ्लोरीन की वजह से ज्यादा होगा, जिस वजह से इसकी जो एसिड स्ट्रेंथ ऑफ एसिड है इसकी स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, और यहां पर के क्या है, ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट एसिड कांस्टेंट फॉर एसिड। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी मतलब उसकी एसिडिटी भी क्या होगी, उसकी स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज्यादा होगी। सेकंड, अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें, थर्ड फीचर है
इंडक्टिव इफेक्ट इज अ एडिटिव मीन्स इसका हम मतलब समझते हैं. तो ये दो एग्जाम्पल है. इस फर्स्ट के अंदर कंपाउंड के अंदर तीन क्लोरीन एटम है, सेकेंड के अंदर दो क्लोरीन एटम है. तो इसका मतलब अगर हम इसके एसिडिटी का कंपैरिजन देखते हैं तो यहाँ पर 10 की पावर माइनस 1 है, तो सेकेंड के अंदर 10 की पावर माइनस 2 है. इसका मतलब ये है कि ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर क्या है नंबर ऑफ माइनस आई ग्रुप क्या ज्यादा होंगे उनका जो इंडक्टिव इफेक्ट है तो दूसरे कंपाउंड जिसमें नंबर ऑफ माइनस आई ग्रुप क्या है कम है उससे क्या होगा ज्यादा होगा. इसका मतलब ये है कि इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट इज एडिटिव, मतलब नंबर ऑफ माइनस आई इफेक्ट के ग्रुप जितने ज्यादा होंगे उसकी एसिडिटी भी क्या होगी उतनी ही ज्यादा होगी. फोर्थ अगर हम पॉइंट की बात करें तो इसके फोर्थ एंड लास्ट फीचर है, सिंस दिस इफेक्ट इज ट्रांसमिटेड थ्रू अ चेन इट बिकम्स लेस इफेक्टिव विद डिस्टेंस. हमें इसको हमने डिस्कस किया था. फॉर एग्जाम्पल इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप की बात करें, इस कार्बोक्सिलिक और इस क्लोरीन के बीच में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 2. अगर हम इसकी बात करें सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड और क्लोरीन के बीच में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 3. तो यहां पर बात करें तो इस फर्स्ट कंपाउंड की बात करें तो उसकी एसिडिटी सेकेंड कंपाउंड के कंपैरिजन में क्या है ज्यादा है. क्यों? क्योंकि इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप और क्लोरीन के बीच में ओनली 2 कार्बन का डिस्टेंस है, लेकिन सेकेंड एग्जाम्पल के अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप और क्लोरीन के बीच में 3 कार्बन का डिस्टेंस है. तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता है वैसे वैसे क्या होगा इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज होगा. माइनस आई इफेक्ट कम होने की वजह से इसकी एसिडिटी भी क्या होगी कम होगी. तो ये 4 पॉइंट हैं जो मेनली जो हमें इंडक्टिव इफेक्ट के लिए ध्यान में रखने हैं. अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग विच हैज द मोस्ट एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन. फर्स्ट इनमें से हमें बताना है कि इसमें से मोस्ट एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन कौन सा है. तो इसको हम फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, फर्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट एग्जाम्पल के अंदर एक कार्बोनिल, एक कीटो ग्रुप और एक एल्डिहाइड ग्रुप क्या है प्रेजेंट है. सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें तो सेकेंड एग्जाम्पल के अंदर 2 कीटो ग्रुप क्या है प्रेजेंट है. थर्ड एग्जाम्पल की थर्ड ऑप्शन की बात करें तो इसमें एक कीटो ग्रुप और एक एस्टर ग्रुप क्या है प्रेजेंट है. और अगर मैं फोर्थ की बात करूं तो इसमें ओनली क्या है एक एल्डिहाइड ग्रुप है. एल्डिहाइड ग्रुप, कीटो ग्रुप, एस्टर ग्रुप ये सभी क्या है माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं. लेकिन माइनस आई इफेक्ट की बात करें तो उनका माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है एल्डिहाइड ग्रुप का, फिर कीटो का और सबसे कम किसका होता है एस्टर का. तो अगर हम कंपैरिजन करें तो फर्स्ट एग्जाम्पल ही हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही ऐसा है जिसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप और एक कीटो ग्रुप क्या है प्रेजेंट है. इसके लिए इस वजह से जो फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन के अंदर सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होने की वजह से इसकी अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिटी भी क्या होगी ज्यादा होगी. तो इसका मतलब ये है कि एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट. माइनस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा उस कंपाउंड मोलिक्यूल की एसिडिटी उतनी ही क्या होगी ज्यादा होगी. सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं, इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी इज. ये 4 कंपाउंड्स दे रखे हैं, इनमें इनको अरेंज करना है हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिटी. अगर हम बात करें तो इसको भी हम देखते हैं. जो फर्स्ट है फर्स्ट के अंदर यहां पर ये जो बेसिसिटी है किसकी वजह से होगी नाइट्रोजन पे प्रेजेंट लोन पेयर की वजह से. ये नाइट्रोजन जितना इजिली लोन पेयर डोनेट कर सकेगा तो हम कहेंगे उसकी बेसिसिटी भी क्या होगी उतनी ही ज्यादा होगी फर्स्ट वन. अगर हम इसके 4 ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट जो ऑप्शन है उसमें नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3, सेकेंड का है sp2 क्योंकि इसके अंदर ए के आगे पाई बॉन्ड. जो हमारा फोर्थ है उसमें भी क्या है sp3. जो हमारा थर्ड है ना उसके अंदर क्योंकि ये डिलोकलाइजेशन हो रहा है इसकी वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2. ये हाइब्रिडाइजेशन की बात कर ली, हमें ये पता है कि जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड जो एटम होता है
उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी SP2 के कंपैरिजन में कम होती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर SP3 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन है, वो क्या है, उसकी जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी है वो SP2 से क्या होगी, ज्यादा होगी। दोबारा अगर हम इस चीज को देखना चाहें तो हम ये कहते हैं SP3 हाइब्रिडाइज एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी SP2 हाइब्रिडाइज कार्बन के कंपैरिजन में क्या होती है, कम होती है। इसकी वजह से SP3 हाइब्रिडाइज जो नाइट्रोजन एटम है उसके इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी SP2 से क्या होगी, ज्यादा होगी। इसका मतलब ये है फर्स्ट और फोर्थ जो हमारा ऑप्शन है उसकी बेसिसिटी थर्ड एंड सेकेंड और थर्ड के कंपेरिजन में क्या होगी, ज्यादा होगी। अब हम कंपेरिजन करते हैं फर्स्ट एंड फोर्थ का और सेकेंड एंड थर्ड का। फर्स्ट और फोर्थ के अगर हम बात करें, दोनों के अंदर नाइट्रोजन क्या है, SP3 हाइब्रिडाइज्ड है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें फोर्थ जो ऑप्शन है, जो फोर्थ हमारा कंपाउंड है, उसके अंदर पूरे मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन एटम भी प्रेजेंट है। ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन एटम माइनस आई इफेक्ट शो करता है। तो माइनस आई इफेक्ट की वजह से इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी। जबकि यहाँ पर क्या है, कार्बन, और कार्बन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का। तो अगर मैं फर्स्ट और फोर्थ की बात करूं तो यहाँ पर ऑक्सीजन के माइनस आई इफेक्ट की वजह से इसकी जो बेसिसिटी है फर्स्ट के एग्जाम्पल फर्स्ट के कंपेरिजन में क्या होगी, कम होगी। तो अगर फर्स्ट और फोर्थ की बात करूं तो फर्स्ट इज मोर बेसिक देन फोर्थ। अब हम बात करते हैं सेकंड और थर्ड की। तो यहां पर हम बेसिसिटी से हम बता रहे हैं कि नाइट्रोजन जितना इजिली लोन पे डोनेट कर देगा उसकी बेसिसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर थर्ड कंपाउंड की यहाँ पर बात करें तो जो ये लोन पेयर है, तो लोन पेयर क्या है, इस डीलोकलाइजेशन के अंदर, इस रेजोनेंस के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है। ये लोन पेयर इस रेजोनेंस के अंदर पार्टिसिपेट करने की वजह से हमारा जो ये है एग्जांपल है पायरोल, इसके जो लोन पेयर है, इसके लोन पेयर डोनेट करने के लिए अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके जो लोन पेयर है वो क्या, रेजोनेंस के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम सेकेंड ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर क्या है, ये जो लोन पेयर है इस नाइट्रोजन पे फिक्स है, ये इजिली क्या है, जो पिरिडीन है इस लोन पेयर को इजिली क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। तो मैं सेकेंड और थर्ड की बात करूं तो सेकेंड इज मोर बेसिक देन थर्ड। अगर हम अब इसको अरेंज करना चाहें तो सबसे ज्यादा बेसिक होगा फर्स्ट, देन फोर्थ, देन सेकंड, और सबसे लीस्ट जो बेसिक है वो क्या है, थर्ड ऑप्शन। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट फोर्थ सेकंड और थर्ड, तो इसका मतलब ये है फर्स्ट फोर्थ सेकंड फर्स्ट, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो जो हमने ये चीज भी देख ली कि जो एसिडिटी है वो माइनस आई इफेक्ट के क्या होती है, प्रोपोर्शनल में होती है। माइनस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा उस कंपाउंड की एसिडिटी उतनी ही ज्यादा होगी। लेकिन बेसिसिटी की बात करें तो बेसिसिटी के प्लस आई इफेक्ट पर डिपेंड है, प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा उस कंपाउंड की बेसिसिटी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। जो थर्ड हमारा एग्जाम्पल है वो है, जो क्वेश्चन थर्ड है, अकाउंट फॉर दी ऑर्डर एसिडिटी इन दी फॉलोइंग कंपाउंड। यहाँ पर दो एग्जाम्पल दे रखे हैं जिनको एसिडिटी बतानी है किसकी ज्यादा है। फर्स्ट कंपाउंड है ये, अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूं तो जो फर्स्ट है ये ऑप्शन है, इसके अंदर बात करें तो एक कार्बोनिल ग्रुप अटैच है। कार्बोनिल ग्रुप की बात करें तो ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है। हमने अभी कहा है कि एसिडिटी माइनस आई इफेक्ट की वजह से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो अगर मैं इनकी बात करूं, इन दोनों का कंपैरिजन करूं, तो इसमें तो माइनस आई ग्रुप प्रेजेंट है जबकि इसमें क्या है, नहीं है। तो इन दोनों का कंपैरिजन करें तो इस कंपाउंड की एसिडिटी इसके कंपैरिजन में क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ सेकेंड कंपाउंड की। अगर हम सेकेंड देखें, दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो ये कार्बन क्या है, SP हाइब्रिडाइज्ड है। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो ये क्या है, SP2 हाइब्रिडाइज्ड। हमें पता है कि जो SP हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी SP2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो अगर ये SP हाइब्रिडाइज्ड जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये माइनस आई इफेक्ट भी क्या है, इसका ज्यादा होगा। तो इसका मतलब ये है कि
इस कंपाउंड के अंदर sp हाइब्रिड है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये माइनस आई इफेक्ट भी क्या है ज्यादा शो करेगा किसके कंपैरिजन में, इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से माइनस आई इफेक्ट अगर इंक्रीज होगा तो एसिडिटी भी क्या होगी इंक्रीज होगी। तो इन दोनों का कंपेरिजन करें तो फर्स्ट की जो एसिडिटी है सेकेंड वन के कंपेरिजन में क्या होगी ज्यादा होगी। तो हम जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दी फॉलोइंग टू एमाइंस इज मोर बेसिक एंड देन वाई, इन दोनों का कंपेरिजन करते हैं। इसमें से हमें बताना है ये दोनों एमाइंस के एग्जाम्पल हैं, इन एमाइंस में बताना है कि ज्यादा बेसिक कौन है। तो यहां पर अगर हम देखें, यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर भी CCl3 ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें भी CCl3 ग्रुप प्रेजेंट है जो माइनस आई इफेक्ट क्या है शो करेगा। माइनस आई इफेक्ट की वजह से बेसिसिटी की बात करें, बेसिसिटी ये नाइट्रोजन के पास क्या है लोन पेयर प्रेजेंट है, ये जितना इजिली लोन पेयर डोनेट कर देगा उसकी बेसिसिटी क्या होगी ज्यादा होगी। बेसिसिटी हमने पढ़ा है, बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट होता है, लेकिन बेसिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट जिस किसी कंपाउंड का जितना ज्यादा होगा उसकी बेसिसिटी उतनी ही क्या होगी कम होगी। तो अगर मैं बात करूं इस एमिनो ग्रुप और CCl3 ग्रुप, इनमें बात करें तो डिस्टेंस है 3 कार्बन का, लेकिन अगर मैं सेकंड की बात करती हूँ तो इसमें अमाइनो ग्रुप और CCl3 के बीच में 2 कार्बन का डिस्टेंस है। हमने ये भी पढ़ा था फीचर्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में कि डिस्टेंस इंक्रीज होने पर इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है डिक्रीज होता है। तो यहां पर ये दोनों ग्रुप ही माइनस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, लेकिन यहां पर डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से इसके अंदर माइनस आई इफेक्ट क्या है कम है। माइनस आई इफेक्ट कम होगा तो इसकी बेसिसिटी जो सेकेंड वन है उसके कंपेरिजन में क्या होगी ज्यादा होगी। यही चीज है कि डिस्टेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीजेस द चार्ज डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम ऑफ ऑर्गेनिक अमाइन एंड हेंस डिक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ। वही बात है कि माइनस आई इफेक्ट की वजह से जो बेसिसिटी है वो क्या होगी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें तो फर्स्ट कंपाउंड की बेसिसिटी सेकेंड से क्या होगी ज्यादा। थैंक यू सो मच।